नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले पुल के पास। इस पुल का नाम पनियावा है और इस नदी का नाम गंडक नदी है। और आपको दिखाते हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं जो ग्रामीण हैं, उनसे बातें करते हैं इस नदी के बारे में। और कैमरामैन से बोलेंगे इस पुल को दिखाइए, इधर से ओवरब्रिज को दिखाइए, कितना सुंदर ओवरब्रिज बना हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लोहे का पूरा ओवरब्रिज है। फिर कहेंगे कैमरामैन से इधर दिखाइए, आप इस नदी को दिखाइए, देखिए कितनी अच्छी नदी है, पानी इसमें बहाव ले रहा है। और इधर भी इस ओवरब्रिज को भी दिखाया जाए, तस्वीरों के माध्यम से इसको भी दिखाइए। अब लाइव तस्वीरों के माध्यम से, सुपर फास्ट न्यूज के माध्यम से आपको आप दिखाइए। और आइए कुछ बात करते हैं, कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय प्रताप दुबे। ये कौन सा ओवरब्रिज है? ये पनियावा ओवरब्रिज है। किस 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 प्रदेश को जोड़ता है ये? बिहार और उत्तर प्रदेश। इसके बारे में आप और नेपाल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी है आपको? इसके बाद ये जानकारी कि दोनों जगह के लोगों को ये जुटाती है। और ये नदी कौन है? ये नदी गंडक नदी है। ये कहाँ तक जाती है? अभी नदी इधर बगहा के और आगे तक गई है। ये ओवरब्रिज कब तक, कब का बना हुआ है ये? 20 साल का पहले का बना हुआ है। 20 साल का? जी। और ये रास्ता कहाँ कहाँ जाता है? ये रास्ता बिहार होते हुए नेपाल चला जाता है। कितना दूर है नेपाल यहाँ से? यहाँ से नेपाल है 30-35 किलोमीटर। और बिहार कितना दूर है? बस बिहार 3 किलोमीटर बाद बिहार शुरू है। और ये हम लोग जहाँ खड़े हैं, बिहार, बिहार में हम लोग हैं? नहीं, हम लोग कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं। यहाँ से कितना दूर बिहार है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बॉर्डर है जी। और क्या जानते हैं आप जो है इस नदी के बारे में, ओवरब्रिज के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या जानकारी आपको है? नदी के बारे में जानते हैं कि नदी बहुत पुरानी नदी है और ये बहुत खतरनाक नदी है। कैसे खतरनाक है? ये कटान ज्यादा करती है, बरसात के दिनों में कटान ज्यादा करती है। और क्या क्या प्रभावित करती है? बाढ़ अभी आई थी तो बाढ़ में कितने गांवों को ये प्रभावित की है? कम से कम 5500 गांव को प्रभावित की है। क्या नुकसान होता है जानमाल का? जानमाल कोई नुकसान नहीं, फसल का नुकसान करती है ज्यादा। यानी कि ये तीन, ये जो है ये नदी जो है तीन, नेपाल बिहार और यूपी तीनों का ये माना जाए कि बॉर्डर है जी। इसको बॉर्डर माना जाए? हाँ हाँ। और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? कि रोड बना हुआ है तो इससे लोगों को बहुत सावधानी है और बहुत अच्छे लोगों का मिला हुआ है। से व्यापार भी होता है क्या कुछ? हाँ जी, जो व्यापार तो होबे करता है। किस किस चीज का व्यापार होता है कुछ जानकारी है? अब इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि हर तरह का 2 नंबर का भी इधर व्यापार होता है। यहाँ आप कहाँ के रहने वाले, कितना दूर आपका गाँव है? यहाँ से हमारा गाँव 10-12 किलोमीटर दूर है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? इधर मठिया के पास हमारा गांव है। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहे थे तस्वीरें ये गंडक नदी का। आप देख, कैमरामैन से बोलेंगे देखिए कितना सुंदर नजारा आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पानी और लग रहा है कि हम लोग अब जुहू बीच पे आ चुके हैं। समुन्दर का ये एरिया है पूरा जो है, मुंबई में हम लोग हैं। और आप देख रहे हैं कैसे पूरा कितना अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और इधर सामने देखिए ओवरब्रिज भी है, एकदम लोहे का ओवरब्रिज है। ये भारत, ये सरकार जो है इतनी अच्छे काम कर रही है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कितना ओवरब्रिज अच्छा यहाँ बना हुआ है। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज, ऐसे ही तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के जगह जगह से आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।